भाई फर्स्ट नंबर पर गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जो क्या भाई सारी नीड्स आपकी फुलफिल कर दे, फीचर्स की भी उसमें कमी ना लगे आपको, प्लस इंजन की भी आपको कमी ना लगे, पावर भी आपको ठीक ठाक मिल जाए और ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी होनी चाहिए, गाड़ी भी आपको देखने में अच्छी लगनी चाहिए। तो भाई अगर आपको इसका बेस वेरियंट मिल रहा है ना, तो भाई साहब आराम से आंख बंद करके एकदम ले लो आप। इस सेगमेंट में इससे कम प्राइस अभी किसी गाड़ी का आपको नहीं मिलने वाला। अब कंपनी जब बेच रही है एसयूवी कह के, तो भाई फिर हमें भी कहना ही पड़ेगा, मजबूरी है। बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं जिनको कंपनी बोलती है कि एसयूवी है ये, तो एसयूवी बोलना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो भाई, एक्सयूवी 3XO ने और गाड़ियों के जो प्राइस है वो तो थोड़े थोड़े कम कराए हैं। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई वेन्यू और सोनेट भी तो आती है, उन दोनों को क्यों नहीं रिकमेंड कर रहे। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल, एंड होप करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 से 10 लाख के बजट के अंदर भाई आप कौन सी बेहतर कार ले सकते हो। ज़्यादातर जो इसमें गाड़ियां हैं, ज़्यादातर क्या सारी गाड़ियां जो मैंने यहां पे रखी हैं आपको, वो रखी हैं कॉम्पैक्ट एसयूवी या फिर मिनी एसयूवी आप बोल सकते हो। तो भाई ये जो बजट है 8 से 10 लाख, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये परफेक्ट बजट बैठता है। मतलब जो चाहते हैं बिल्कुल बजट में गाड़ी लेना, तो भाई 8 से 10 लाख बजट उनके लिए बहुत ऊपर भी नहीं पहुंचता है और बहुत नीचे भी नहीं पहुंचता है, तो उसमें उनको अच्छी गाड़ी मिल जानी चाहिए। तो आज यहाँ पे हम 5 गाड़ियों की बात करने वाले हैं कि भाई कौन सी ऐसी 5 कार्स हैं जिस पे आप जा सकते हो आराम से, अगर आपका बजट है 8 से 10 लाख के बीच में, आप ऑन रोड प्राइस में लेना चाहते हो और गाड़ी। तो शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और करते हैं कौन कौन सी गाड़ियाँ आप यहाँ पर ले सकते हो और कौन सी सबसे बेस्ट रहेगी आपके लिए इन 5 गाड़ियों में भी, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा भाई, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे लोग देख रहे हैं बट सब्सक्राइबर बहुत स्लो बढ़ रहे हैं, तो इसलिए यार सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना। एंड चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो जी बात करते हैं सबसे पहले 5वें नंबर पर कौन सी गाड़ी हम यहाँ पर ले सकते हैं। भाई 5वें नंबर पर मैंने जो यहाँ पर गाड़ी रखी है वो रखी है Hyundai की एक्स्टर, जिसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है। CNG ऑप्शन भी इस गाड़ी में आपको मिल जाता है और इस गाड़ी में आपको जो है माइलेज भी काफ़ी बेहतर मिलेगा। जो नेचुरल एस्पायरेटेड इंजन इसमें आता है, सेम वही इंजन है जो आपको i10 में मिलेगा, वही इंजन आपको इसके वेन्यू में भी मिल जाएगा। अगर उसके आप नेचुरल एस्पायरेटेड इंजन पर जाते हो तो सेम इंजन यही वाला मिलना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो रखा है भाई एक्स्टर को आपके लिए रखा है 5th नंबर पर। अगर आपका बजट है कम, 8 लाख तक आप सोच रहे हो कि भाई मैं गाड़ी ले लूं, तो भाई 8 लाख में इसका जो है सेकंड वेरिएंट जो आता है वो ऑलमोस्ट वैल्यू फॉर मनी पड़ता है आपको और उस पे आप आराम से जा सकते हो। वैसे प्राइस स्टार्ट होता है इस गाड़ी का 6,13,000 रुपए से, लेकिन जो एस वेरिएंट है इसका वो आता है 7,50,000 में। छोटे मोटे आपको इस पर डिस्काउंट कुछ मिल सकते हैं इस गाड़ी पे, छोटे मोटे कंपनी ने कुछ एक्सचेंज ऑफर वगैरह ऐसे चलाए हैं, तो आराम से आपका जो है ये 8 लाख के बजट में, 8-8.5 लाख तक के बजट में पहुंच जाएगा एस वेरिएंट। एस एक्स पे जाओगे तो भाई वो 8,23,000 है, उसमें फीचर्स आपके और बढ़ जाएंगे, तो एक ये वेरिएंट पे भी आप इसके आराम से जा सकते हो। 8,23,000 एक्स शोरूम प्राइस अगर आप लेके चल रहे हो तो मान के चलो 9.5 लाख तक आपको ऑन रोड पड़ेगी कहीं, ये आप इतना आइडिया लगा के चलो। बाकी आपके स्टेट के हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हो भाई किस स्टेट में कितना टैक्स लगता है, तो वहाँ पर आप जानकारी ले सकते हो जाके अपने जो है नज़दीकी डीलर। और इस गाड़ी में आपको जो है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो 83 PS की पावर निकालता है, 114 Nm के टॉर्क देता है। तो भाई एक ये ऑप्शन आपके सामने है अगर थोड़ा कम बजट चाह रहे हो और ठीक है माइलेज भी आपको थोड़ा सा चाहिए, तो आप आराम से इस गाड़ी पे जा सकते हो। इसके बाद करते हैं भाई 4th नंबर की बात। तो चौथे नंबर पर जो मैंने गाड़ी ली है वो ली है यहाँ पे भाई टाटा पंच। एक इस गाड़ी को भी आप कंसीडर कर सकते हो अगर आपको सिटी की ड्राइव चाहिए। जैसे एक्स्टर और ये दोनों गाड़ियां मिनी एसयूवी आती हैं, इनको हम कॉम्पैक्ट एसयूवी में काउंट नहीं कर सकते, बट ठीक है अब कंपनी जब बेच रही है एसयूवी कह के, तो भाई फिर हमें भी कहना ही पड़ेगा, मजबूरी है। बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं जिनको कंपनी बोलती है कि एसयूवी है ये, तो एसयूवी बोलना ही पड़ेगा। तो भाई टाटा पंच पे आप जा सकते हो, वही इंजन मिलता है जो आपको टाटा टियागो में मिलता है। पंच पे आपको डिस्काउंट मिलने के चांसेस थोड़े से कम है क्योंकि इसकी सेल ना बहुत हाई जा रही है, ऑलमोस्ट कभी फर्स्ट पे कभी सेकंड पे कभी फर्स्ट पे, हर महीने जो है इस नंबर पे ही रहती है टॉप सेलिंग कार्स में, तो फर्स्ट और सेकंड नंबर इसने जो है पकड़ रखा है आराम से। तो भाई एक इस गाड़ी पे आप जा सकते हो, इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन आपको मिल जाएगा जो 86 PS की पावर देता है और बाकी 113 Nm के टॉर्क दे देता है। अगर आपको भाई CNG पे जाना है तो CNG पे भी इसमें आप
जा सकते हो। सीएनजी ऑप्शन भी आपके सामने है टाटा पंच में। तो इसके आप एडवेंचर वेरिएंट पे जा सकते हो आराम से, जो 7 लाख में आपको जो है मिलता है, या फिर एडवेंचर रिदम पे आप जा सकते हो जो 7,35,000 में आपका जो है स्टार्ट हो जाता है। बाकी इसके ऊपर और कुछ वेरिएंट्स हैं जिन पे आप आराम से इसमें ना जा सकते हो, वो डिपेंड करेगा कि भाई आपकी नीड कैसी है, आपको कौन से फीचर्स गाड़ी में आपको चाहिए नेसेसरी, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी 10 लाख से कम बजट में ना इसके बड़े अच्छे मिड वेरिएंट आपको जो है मिल जाएंगे फुली फीचर के साथ में। तो ये एक ऑप्शन आपके सामने टाटा पंच है। सर्विस की थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम्स लगेगी कुछ एरियाज में, जहां पे क्या भाई इंटीरियर एरिया है वहां पे आपको सर्विस की थोड़ी बहुत दिक्कत इसमें लगती है टाटा मोटर्स में, बाकी आराम से इस गाड़ी पे आप जा सकते हो। ये दोनों गाड़ियां छोटी हैं इसलिए मैंने इनको जो रखा है 4th और 5th नंबर पे रखा है। बाकी अब 3rd नंबर की बात करते हैं भाई। 3rd नंबर पे हमने जो गाड़ी रखी है यहाँ पे वो रखी है भाई टाटा नेक्सन, जिसमें भाई अभी जो है इसका जो एक बेस वेरिएंट अलग से बना दिया गया है स्मार्ट ऑप्शनल करके, जो 8 लाख से स्टार्ट हो रहा है। वैसे इस गाड़ी का पहले प्राइस जो था 8,15,000 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन नीचे एक वेरिएंट निकालना पड़ा और उसका रीजन मैं आने वाली गाड़ी के साथ बता दूंगा क्यों निकालना पड़ा। तो भाई नेक्सन में भी आपको जो है केवल पेट्रोल इंजन पे आप जा सकते हो, डीजल इंजन पे इसके आप नहीं जा सकते। जो इसमें 1.2 लीटर रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन आता है उस पे आप आराम से जा सकते हो, जिसमें 120 पीएस की पावर मिलती है और आपको 170 एनएम के टॉर्क मिल जाते हैं। तो अब नेक्सन के जो है आप भाई जो प्योर वेरिएंट है उस पे आप बड़े आराम से जा सकते हो। नेक्सन का प्योर वेरिएंट मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, उसका एक रीजन है नेक्सन पे जो है अभी आपको डिस्काउंट बड़े अच्छे मिलने वाले हैं। इन्होंने जो है स्मार्ट ऑप्शनल को छोड़ के स्मार्ट प्लस से लेके सारे वेरिएंट पे डिस्काउंट दे रखे हैं। उस पे 20,000 का है, स्मार्ट प्लस एस पे आपको जो है 40,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद में प्योर वेरिएंट पे आपको जो है 30 और प्योर एस पे आपको 40,000 तक के डिस्काउंट मिल जाएंगे। तो जी यहाँ पे ये बड़ी परेशानी है, अभी थोड़ी देर पहले धूप निकल रही थी और धूप निकल रही थी अभी एकदम बारिश ऐसी हो गई, ताबड़तोड़ बारिश पड़ रही है भाई बाहर, क्या करें वीडियो बनानी है। मैं देख के आया था, बड़ा मौसम साफ था तब मैं आया था यहाँ पे, और अभी देखो बीच में ये जो है बारिश स्टार्ट हो गई और वो भी तकड़ी वाली, हल्की वाली नहीं है। तो जी नेक्सन की बात हमारी चल रही थी, तो नेक्सन पे जो है आप इन वेरिएंट्स पे बड़े आराम से भाई जा सकते हो। तो आपके प्योर वेरिएंट पे क्या है, प्राइस आपका थोड़ा सा ऊपर पहुंचेगा, अगर ऑन रोड प्राइस आप देखोगे 10 लाख के ऊपर कूद जाएगा, लेकिन स्मार्ट जो वेरिएंट है वो आपका पूरा ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि भाई 10 लाख के अंदर जो है आपको पड़ जाएगा। कुछ स्टेट में जहाँ टैक्सेस आई हैं वहाँ पे हो सकता है और ऊपर पहुँच जाए। तो एक ये नेक्सन आपके सामने ऑप्शन है भाई, इस गाड़ी पे भी आप जा सकते हो और इस टाइम पे इस पे 1-1 लाख तक के डिस्काउंट चल रहे हैं कुछ वेरिएंट्स पे। तो पेट्रोल में भी चल रहे हैं और डीजल में भी डिस्काउंट्स हैं इसके, प्लस AMT वेरिएंट्स पे भी इसके जो है डिस्काउंट्स हैं। वो मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना के डाला है, अगर आपको पूरी वीडियो चेक करनी है तो आप वो आइकन में मैं आपको दे दूंगा, जाके चेक कर सकते हो। अब जी सेकेंड नंबर की गाड़ी की बात करते हैं, तो भाई सेकेंड नंबर पे जो गाड़ी आती है वो आती है XUV 3XO, जिसका जो प्राइस स्टार्ट हो जाता है बेस वेरिएंट का भाई 7,49,000 से स्टार्ट हो जाता है। इस सेगमेंट में इससे कम प्राइस अभी किसी गाड़ी का आपको नहीं मिलने वाला। तो भाई अगर आपको इसका बेस वेरिएंट मिल रहा है ना, तो भाई साहब आराम से आंख बंद करके एकदम ले लो आप। अगर बेस वेरिएंट आपको डिलीवरी जल्दी मिल रही है उसकी, और कंपनी या डीलर जो है आपको प्रोमिस कर रहे हैं कि भाई ठीक है थोड़ा 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद आपको जो है बेस वेरिएंट हम दे देंगे, थोड़ा सा वेटिंग पीरियड आपको दे रहे हैं, तो भाई बेस वेरिएंट इसका आप वैल्यू फॉर मनी है उसको आराम से ले सकते हो। और प्लस जब उसके ऊपर आप कूदते हो तो भाई प्राइस तो काफ़ी हाई कर दिए। इसका भी आपको जो मिलेगा 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन इसमें इसका आपको जो है मिलेगा, बस डीजल इंजन पर आप जाओगे वो नहीं मिलेगा, या फिर इसका जो TGDI इंजन है उस पर जाओगे वो भी नहीं मिलेगा 10 लाख के बजट में, केवल पेट्रोल ही आएगा। तो अगले वेरिएंट MX2 Pro का जो प्राइस कर दिया है इन्होंने 9 लाख कर दिया है सीधा, तो लगभग 1.5 लाख सीधा उन्होंने बढ़ा दिया है। तो भाई यहाँ पे जो है आप एक जो कंसीडर कर सकते हो नेक्सन का वेरिएंट देख सकते हो, जो फीचर्स आपको MX2 Pro में मिल रहा है वो फीचर्स आप चेक कर सकते हो भाई उधर प्योर में क्या क्या मिल रहा है आपको। और प्योर में अगर आपको फायदा लग रहा है तो भाई प्योर पे आप जा सकते हो नेक्सन के। और नेक्सन का जो बेस वेरिएंट द्वारा से निकाला गया है स्मार्ट ऑप्शनल करके, उसका रीजन है भाई जो इनका MX1 वेरिएंट है, जो इनका बेस वेरिएंट है जिसका प्राइस है 7,49,000, वो मेन रीजन है उस वेरिएंट को निकालने का। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि भाई आगे बताऊंगा कि वो वेरिएंट क्यों निकाला गया है, वो इसीलिए निकाला है। चाहे कुछ भी हो भाई
XUV 3XO ने और गाड़ियों के जो प्राइस है वो तो थोड़े थोड़े कम कराए हैं, वरना ये कंपनी नीचे को आने को तैयार ही नहीं होती थी। भाई यहाँ पे हम महिंद्रा की तारीफ करेंगे, दाद देंगे उसको भाई, बट वो वेरिएंट मिल कितनों को रहा है उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर वो वेरिएंट भाई साहब मिलता है ना लोगों को तो सोने पर सुहागा है, मजा आ जाएगा पूरा लोगों का। तो भाई इसका जो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन आपको मिलता है उस पर आप जा सकते हो, 110 पीएस की पावर निकालता है और 200 एनएम के टोक देता है। काफी जानदार इंजन है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली इस इंजन के साथ में। तो जी ये तो सेकंड नंबर पे बात कर ली हमने भाई XUV 3XO की, इस पे भी आप आराम से जा सकते हो 10 लाख के बजट में। अब बात करते हैं फर्स्ट नंबर की। भाई फर्स्ट नंबर पे गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जो क्या भाई सारी नीड्स आपकी फुलफिल कर दे, फीचर्स की भी उसमें कमी ना लगे आपको, प्लस इंजन की भी आपको कमी ना लगे, पावर भी आपको ठीक ठाक मिल जाए और ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी होनी चाहिए, गाड़ी भी आपको देखने में अच्छी लगनी चाहिए। तो फर्स्ट नंबर तो भाई ऐसी गाड़ी को देना चाहिए। यहाँ पे मैं जो आपको कंसीडर करूंगा भाई वो करने वाला हूँ यहाँ पे मारुति सुजुकी की फ्रोंक्स। तो अगर 10 लाख का बजट है तो भाई यहाँ पे हम फ्रोंक्स पे जा सकते हैं, जिसका क्या डेल्टा वेरिएंट बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। तो भाई 10 लाख का बजट है तो भाई आप मारुति सुजुकी की फ्रोंक्स पे जा सकते हो, जिसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है आपको और जिसका डेल्टा वेरिएंट बड़े आराम से आपका जो है मिल जाएगा इस 10 लाख के बजट में। डेल्टा वेरिएंट इनका 8,38,000 से स्टार्ट हो जाता है, बेस वेरिएंट सिग्मा जो है इनका वो स्टार्ट होता है 7,51,000 से। तो दोनों वेरिएंट बड़े आराम से आपके जो है 10 लाख के बजट में आ जाएंगे, प्लस ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको जो है ठीक ठाक मिलेगी इसमें, बड़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी। अगर हम देखें भाई एसयूवी टाइप गाड़ी नहीं लगती है, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, पर कंपनी ने मैंने वो शुरू में बताया कि भाई कंपनियों ने नाम दे दिया है तो हमें भी बोलना ही पड़ेगा। प्लस इसमें आपको सीएनजी ऑप्शन भी मिल जाएंगे, तो सीएनजी पे भी इसके आप जा सकते हो जो 8,46,000 से स्टार्ट हो जाता है भाई। इसके बाद में आप इसका डेल्टा प्लस वेरिएंट वो भी आप ले सकते हो भाई, वो 8,78,000 से स्टार्ट हो रहा है, 10 लाख के बजट में ऑलमोस्ट आपको जो है पड़ जाएगा। तो इसमें ऑलमोस्ट आपको जो है काफी अच्छे वेरिएंट मिल रहा है, लेकिन 1.2 लीटर इंजन के साथ, 1 लीटर इंजन के साथ जाओगे तो वो बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। ऑल्दो उस पर डिस्काउंट है, अभी डिस्काउंट मिल जाएंगे, 1-1 लाख तक के डिस्काउंट मारुति सुजुकी दे रही है क्योंकि वो इंजन सेल कम हो रहा है। अब इसकी जगह मैं यहाँ पे ब्रेजा भी कंसिडर कर सकता था, लेकिन ब्रेजा को मैंने कट किया इस लिस्ट से। वो इसलिए किया क्योंकि ब्रेजा का केवल आपको LXi वेरिएंट ही मिलने वाला है, उसके ऊपर आप जैसे ही जाते हो तो भाई वो 10 लाख 11 लाख तक उसका ऑन रोड प्राइस पहुंचेगा कहीं VXi का। LXi तो आपको 10 लाख में मिल जाएगा, एक ही वेरिएंट मिल रहा है। तो मुझे इसलिए यहाँ पे फ्रोंक्स उससे ज्यादा बेटर लगी भाई। आप सिटी में भी ड्राइव कर सकते हो, आप हाईवे पे भी ड्राइव कर सकते हो, आप जिस कंडीशन में ड्राइव करना चाहो आराम से इस गाड़ी को चला सकते हो। और बाकी आपका और भी बजट कम है तो भाई आप इसकी जो है दूसरी बहन, जिससे जो इंजन इसमें मिल रहा है वही सेम आपको बलेनो में मिलता है, तो भाई आप यहाँ पे बलेनो पे भी जा सकते हो अगर आपका बजट और थोड़ा सा कम है तो। वो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए कम पड़ेगा उसका बेस वेरिएंट आपको फ्रोंक्स से। तो जी इसका जो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन आता है फ्रोंक्स का, उस पर भी आपको जो है डिस्काउंट मिल जाएंगे, लगभग आप मान के चलो 30,000 से 40,000 तक के डिस्काउंट ऑफर उस पर जो है अभी चला रखे कंपनी ने। तो ये वेरिएंट आपको और भी थोड़े सस्ते पड़ेंगे। तो एक भाई ये ऑप्शन है आपके सामने फर्स्ट नंबर पे जो मैंने आपको रिकमेंड किया। सर्विस वगैरह हर चीज मैंने देख के ना तब जाके ये गाड़ी आपको रिकमेंड करी है। हर एरिया में आपको सर्विस मिल जाएगी, महिंद्रा टाटा से बेहतर सर्विस आपको इसमें मिल जाएगी, ह्यूंडई से भी बेहतर सर्विस आपको इसमें मिल जाएगी। यही रीजन है कि भाई इसको मैंने जो है फर्स्ट नंबर पे रखा है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई वेन्यू और सोनेट भी तो आती है, उन दोनों को क्यों नहीं रिकमेंड कर रहे। तो भाई उनका जो 1.2 लीटर इंजन है ना नेचुरली एस्पायरेटेड, वो इंजन भाई वही है सेम जो आपको एक्स्टर में मिल रहा है। तो बेटर है भाई एक्स्टर पे चले जाओ आप, वहां पे ह्यूंडई और वेन्यू में वो आपको अंडर पावर लगेगा वही इंजन, वो एक्स्टर में आपको ठीक अच्छा लगेगा क्योंकि एक्स्टर का वेट भी कम है अगर वेन्यू से आप कंपेयर करते हो तो। तो इसलिए भाई ये गाड़ियां मैंने जो है यहाँ रिकमेंड नहीं करी है। और प्राइस भी देखो तो भाई 8 लाख के आसपास प्राइस इनके बेस वेरियंट के स्टार्ट होते हैं, प्लस इस इंजन में आपको जो है वेन्यू और सोनेट में माइलेज भी कम मिलेगा जो एक्स्टर में अच्छा मिल जाएगा। तो सारा खेल वही हो जाता है भाई वेट का। तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पे आपको ये दोनों गाड़ियां रिकमेंड नहीं की हैं। ब्रेजा का मैंने बता ही दिया भाई, ब्रेजा का एक ही वेरिएंट आ रहा है तो कोई तुक नहीं बनता एक वेरिएंट के लिए उस गाड़ी को मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँ। सो गाइज बारिश देखो पड़ने के बाद बंद भी हो गई है, एंड उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके बताना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।